Telebuzz brings to you some exciting updates on the most dramatic show, Swaragini. In the upcoming episode, we will see that Swara and Sanskar disguise themselves. They try to find out the truth about Abhimanyu. Well, check out the exclusive interview of Swara and Sanskar and let us see what they have to say about this. पता ही था कि लक्ष्य ये लक्ष्य या अभिमन्यु नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब वो हमारे घर पे आ जाता है महेश्वरी हाउस में, तब वो सबको मतलब यू नो सबको बहुत बड़ा झटका देता है, कह के कि मैं लक्ष्य नहीं हूँ, मैं अभिमन्यु हूँ और मैं नहीं जानता हूँ, और बहुत कुछ चुना के चला जाता है. बट स्टिल एवरीबडी हैज़ दैट यू नो फेथ कि नहीं नहीं ये लक्ष्य ही है और वो अभिमन्यु नहीं हो सकता, और बस इसीलिए प्लान बना के यहाँ जाती हूँ. मैंने कमाल कर दिया है, मैं इतनी ज़्यादा स्मार्ट हूँ. मैंने जो मानसी की बेटी है, लक्ष्य की नहीं कह सकती क्योंकि वो लक्ष्य की बेटी नहीं है, मिश्का, उससे मैंने बहुत अच्छे से दोस्ती कर ली है. और क्योंकि फिर जब मानसी मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है, मुझे और संस्कार को, तो मिश्का रोक लेती है कि नहीं, मुझे उनके साथ खेलने में मज़ा आता है, सो आई वांट हर बैक. तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे पास, क्योंकि एनीवे अभिमन्यु है जो वो सिर्फ मिश्का की बातें मानता है, ऐसा मतलब इट्स लाइक वो बच्ची की खुशियों के लिए जो भी वो कहेगी वो करता है. सो एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है वो मेरे पास है. क्या करो, संगति का असर तो होता ही होता है. अब मुझे नहीं पता उसे कहाँ से पता चल गया कि मैं यहाँ पर आई, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया, ऐसा मारवाड़ी सा पगड़ी वगड़ी लुक बना के, और फिर इधर ही आके रह गया. सो ये एक सरप्राइज था स्वरा के लिए भी, कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी उसी की तरह यहाँ पर आ जाएगा काम मानने के लिए और इस प्लान में शामिल हो जाएगा. सो जब संस्कार आता है तो पहले तो स्वरा भी नहीं पहचानती है, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो संस्कार आ गया है. सो एक सरप्राइज एलिमेंट था संस्कार का. हाँ, काफ़ी कलरफुल भी है, एक ये प्लेन वाइट कुर्ता और धोती है, और ये जो जैकेट है बहुत कलरफुल है, और ये एक्सेसरीज है, कड़ा है, और ये इसको क्या बोलते हैं, पैरों में जो है उसको कुंडा बोलते हैं. तो काफ़ी अच्छा कपड़े दिए गए हैं मुझे. संस्कार के सामने जब लक्ष्य आया तो संस्कार का क्या रिएक्शन? बस रिएक्शन तो यही था कि उसके दिमाग में वही चल रहा था कि क्यों लक्ष्य ऐसा कर रहा है. तो बेसिकली वही जानने के लिए वो यहाँ आया है कि क्यों उसने अपनी एक अलग फैमिली बना ली है, जब उसकी एक फैमिली है जो उससे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या कारण है ये जानना चाहते हैं. So guys, what do you think will happen next? Share your thoughts in the comments section below and let us know. Hit the like button for Swaragini and subscribe to Telebuzz for more daily television updates.